पहला प्रॉब्लम आप बार बार मुझे कह रहे हो कि आर्थिक पैसा का समस्या है, रोजगार का समस्या है, रोजी रोटी का समस्या है, और ऊपर से कह रहे हो कि मेरा स्वास्थ्य का समस्या है, बीमार हूँ, और मेरे पास आप आए भी, और मैं आप लोगों को इतना कहूँगा कि हेल्थ इज वेल्थ, नो हेल्थ नो वेल्थ। कितना भी कमा लीजिए आप, सारे पैसा आखिरी में डाकुओं के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है? तो ऐसे कमाने का क्या मतलब? कोई मतलब है? कमा भी लिया फिर क्या करोगे? कुछ होने वाला है? दूसरा बिंदु, पैसा कमा भी लिए, आ भी गया पैसा, चलो डॉक्टर खा के भी बच गया पैसा, अगर जिंदगी में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, फिर क्या? समझ में आ रहा है? दूसरा, अगर संपत्ति आए, मुरारी बापू, पूज्य गुरुदेव मुरारी बापू, संपत्ति जब आता है तो साथ में विपत्ति भी लेके आता है। इसलिए कहते हैं संपत्ति आए, मुरारी बापू, संपत्ति आए दान करो, विपत्ति आए दान करो, बच जाओ। मैं देखा हूं जी, मेरे जीवन में जब जब विपत्ति आए मैं दान किया, संपत्ति आए दान किया। और खतरा यहां होता है जब कोई मेरा दान ले लिया, देखा हूं कुछ विपत्ति उसको भी भोगना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के और उत्तम पात्र में दान करता हूं। अगर जो व्यक्ति, देखो ब्राह्मण, हम दान लेते हैं, कोई हमें देता है, अच्छा प्रभु कृपा से मुझे कोई ऐसे 50-100 रुपया नहीं देता, पता नहीं माता रानी का क्या खेल है, जब मेरे पास दान आता है तो लाखों में आता है। और जब दान आता है मेरे पास, जो जो लोग भी मुझे दान किए, मैं उनका बहुत सारे विपत्तियों को हरण कर लेता हूं, या मेरे द्वारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए होता है कि पहला, मैं यज्ञत ब्राह्मण हूं, मैं जाति भेद का बात नहीं कह रहा हूं, आप खुद इतना दिन से आए हो देख रहे हो, बिना यज्ञ का मैं अन्न ग्रहण नहीं करने का कोशिश करता हूं, हो गया अलग बात, और बाय मिस्टेक मैं अपने अग्नि कुंड को छोड़ के कहीं चला गया तो भी यहां एक ब्राह्मण डेपुट करके रखा हूं, मैं उसे संकल्प और मेरे नाम पे संकल्प करके बैठो, ठीक है? जाप देख रहे हो, जाप करते हैं, और मेरा जाप भयंकर जाप होता है, घोर, इसलिए जल्दी मेरे से कोई नहीं लगता। और जो लगा मैं कोई तांत्रिक आंत्रिक नहीं हूं, मैं एक वैदिक ब्राह्मण हूं, और आर्य समाज का बेस था, संघ का बेस था, और सबसे बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम था निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन अद्वैत वेदांत। और इसलिए मुझे किसी भी प्रकार के इंपैक्ट और इफेक्ट नहीं हो पाता। आता है समस्या, जाते हैं समस्या, आएंगे भी और जाएंगे भी। एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि में ग्रह नक्षत्र भी आते हैं, कभी शनि दशा, कभी शनि अंतर दशा, कभी शनि में शुक्र दशा, कभी शनि में राहु दशा, बुध दशा, और उसके इफेक्ट भी आते हैं। या मेरे ऊपर कई सारे, जैसे क्योंकि गुरुकुल खोला तो, और गौशाला गौ रक्षा का काम किया, जंगल रक्षा का काम किया, पेड़ पौधा रक्षा का काम किया जीवन भर, तो इसलिए शत्रु होंगे ही। दारू भट्टी खोलता कोई शत्रु नहीं होता है? तो शत्रु आए और वो मार खा के गए,
मैं नहीं मारा किसी को। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपके पास बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और आपका संकल्प, आप जो भी पूजा करते हो किसी का हानि के लिए नहीं, शत्रु के हानि के लिए नहीं, जब भी हम संकल्प करते हैं या पुण्य वाचन करते हैं वह विश्व शांति, विश्व कल्याण, जगत हितार्थे, और हे प्रभु तुम्हारे चरण में निश्चल निर्मल निष्काम भक्ति प्राप्त्यर्थम और शुद्ध बुद्ध मुक्त भक्त अपने अंदर जगे और हम जहां रहें हमारे से प्रेम शांति और आनंद, ऐसे गुण कह सकते हो, शक्ति कह सकते हो, या ऐसे ऊर्जाओं का विकिरण हो, विचलित हो, एमिशन हो, रेडिएशन हो, कि हमारे पास जो बैठ जाए या हमारे सानिध्य में जो आ जाए उसे वह तीन चीज जरूर मिले। वो क्या? बोले शांति, प्रेम, आनंद और सुख। ठीक है ना? तो इसलिए हमारे पास ऐसे आते हैं, आना स्वाभाविक है। और जो बहुत समझदार होता है, जिन्हें पता है कि इस व्यक्ति के पास वह दम है कि हमारे जैसे महापापियों का पाप को नाशन कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, क्योंकि कोई दान करता है ना तो नीचे हाथ करना पड़ता है, लेते नहीं है, किसी को आज तक ईश्वर कृपा से, माता रानी की कृपा से मांगे नहीं, कदाचित भले शुद्ध में ले लेंगे लेकिन मांगेंगे नहीं, है ना? तो उसे फिर उस पापार्जित धन को यज्ञ में आहूत कर देना, जप शक्ति में उसे ध्वंस कर देना, और वह मेरा यजमान कह सकते हो, मेरा मित्र कह सकते हो, मेरा भक्त कह सकते हो, मेरा आश्रित कह सकते हो, उसके जीवन में परम कल्याण हो। इसी का नाम तो पुरोहित है, परस्य हित करोति इति पुरोहितः। स्वार्थी होते तो करते क्या? नहीं। और हमेशा इस बिंदु पे कि दूसरे का हित ही करना है, और कभी कभी दूसरे का हित करते करते दूसरे को कादों से निकालते निकालते खुद के ऊपर भी वह कादों कीचड़ का छींटा पड़ ही जाता है, तो वो दम होना चाहिए कि उसे आप ग्रहण कर सको और प्रेम पूर्वक आगे बढ़ सको। अब दूसरा बिंदु आता, आप जो बोले कि हमें आर्थिक समस्या का, दो बिंदु है, व्यायाम करने से स्वास्थ्य मिलता है या स्वास्थ्य होने से व्यायाम करते हैं? व्यायाम करने से स्वास्थ्य मिलता है। पक्का? ठीक। खाना खाने से पेट भरता है या पेट भरने से खाना खाते हैं? खाना खाने से पेट भरता। पक्का? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, अगर आप सुख शांति आनंद में जीना सीख जाओगे, पैसा अपने आप आएगा। मजा मस्ती में जीना सीख जाओगे, धन अपने आप आएगा। लोग कदाचित ऐसे लोगों के पास कभी भी जाना या देना नहीं चाहते जो दुखी है, जो मुंह फुला के हैं, कष्ट में है, पीड़ा में है। आप आए, तीन दिन से आपका दुख सुनाए, मैं सुना, कौन सुनता है भाई किसी का दुख आजकल? किसी का नहीं सुनता। तो हमेशा याद रखना, अगर आप आंतरिक लेवल पे खुश रहना सीख जाओ तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आंतरिक दुखी हो, बाहर सुखी दिखा रहे हो, आया हुआ भी भाग जाएगा। हम लोग उड़िया में बोलते हैं तेलिया मुंडरे तेलो, जो तेली होता है ना, अब उसके सर में तेल दो, क्या होने वाला है? वो तो तेल का भट्टा में बैठा हुआ है। लेकिन नियम ऐसा ही है, सुखी के पास सुख आता है, दुखी के पास और दुख जाता है, आनंदित व्यक्ति के पास आनंद आता है, टेंशन वाले के पास और टेंशन आता है। तो प्रयास अगर ये हो जाए, अगर आपका साधना ये हो जाए कि हमें कैसे हर क्षण आनंद में, शांति में, मजा में, मस्ती में रहना है,
बाहर नहीं दिखाना, लोग चुरा के ले जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आनंदित हूं और मेरे पास आप बैठे हो तो आप आनंद का अनुभव करोगे, मुझे सो नहीं करना, मेरा आनंद कौन। अब समझ में आया, व्यायाम करोगे स्वास्थ्य मिलेगा, आनंद में रहोगे, शांति में रहोगे, मजा में रहोगे, मस्ती में रहोगे, धन भी आएगा। ये बड़ा सीक्रेसी है, दुखी हो नहीं आएगा। क्लियर? वही साइंटिफिकली ए क्रिएटिव माइंड इज कूल माइंड, ए काम माइंड। यानी आपका मन जब क्रिएटिव हो जाएगा, अब क्रिएटिव कब होगा? When a mind is complainless, there is no complaint. तीन दिन से आके क्या कर रहे हो, मेरा बीवी ऐसा, मेरा वो घर वाले ऐसा, मेरा वो ऐसा, मेरा बीवी दुखी और मुझे दुख देती है। अरे बाप रे, आपको कोई कैसे दुख दे सकता है? ज्ञान का कमी है। कोई कदाचित किसी को दुख ना दिया है ना दे सकता है, हम अपने कारण ही दुखी होते हैं। आत्मन्यैवात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, मैं मेरा शत्रु हूं, मैं मेरा ही मित्र हूं। ठीक है, तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। तुम दुखी हो और क्योंकि दुखी हो तो तुम्हारे पास धन संपदा संपत्ति, धन संपत्ति और समृद्धि नहीं आ रहा है। दुखियों के पास कभी नहीं आता, दुखियों के पास लोग भी नहीं आते। आपको अगर दुख किसी ने दिया और आपको लगा तो आप खुद दिए हो। मुझे किसी ने गलत बोला और मैं दुखी हो गया तो ये मेरा गलती है, क्योंकि मैं उस समय होश में नहीं था, क्योंकि मैं उस समय जागृत नहीं था, दृष्टा नहीं था, साक्षी नहीं था। अगर दृष्टा, साक्षी और अंतरस्त अंदर से बाहर को देखने साध लोगे तो तुम्हें धरती में कोई कभी दुखी कर नहीं सकता। दुखाएंगे, समाज को लगेगा अरे इसे कितना दुखी हो गया, और नाटक करना है, ड्रामा करना है। नहीं तो जो दुख दिया उसको कष्ट लगेगा, अरे मैंने दुख दिया, इसको दुख लगा नहीं तो दुख लगा, चलो तुम खुश हो जाओ। जैसे है मेरा छोटी बच्ची मेरे को मारे ढाई 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 और मैं उसमें हंसू, रावण जी से होगा क्या, नहीं वो मारा था, छोटा बच्चा है ना, है ना, वो मेरे साथ लड़े और मैं हार जाऊं वो खुश हो जाए, है ना। तो ये जीवन का सूत्र है कि हम दृष्टा साध लें, साक्षी साध लें और अपने में मस्त हो जाए। तुम्हारा बीबी कुछ नहीं तड़पाई है, ओशो जी का, भगवान ओशो जी का कहानी सुनोगे, सक्रेटिस जिसके ऊपर बीबी गरम गरम चाय मुंह में मार, सच छूट नहीं जाता, तो उससे ज्यादा टॉर्चर हो नहीं। ठीक है, इसलिए अपने अंतरस्थ में रहो, बाहर वालों का समस्याओं को मत देखो, रहेगा समस्या हर जगह में है जब तक जिंदा हो तब तक। तो पहला बिंदु आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शांति, आनंद, मजा, मस्ती। दूसरा बिंदु है कि स्वास्थ्य साधना, अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाओ। दुर्बलों के ऊपर सबका अत्याचार होता है, रोगियों के ऊपर सबका अत्याचार होता है, सबल के ऊपर नहीं होता। ठीक है,